गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हाउस वाइफ कैसे घर में अट्रैक्टिव और फ्रेश दिखे। दोस्तों, लेडीज की ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जब भी उसने बाहर जाना होता है तब तो वो बहुत सारा सोचती हैं कि मैं बाहर जाके मैं ऐसा पहनूंगी, ऐसे रहूंगी, ऐसा कुछ करूँ जो मैं बाहर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखूँ। बट वो घर पे घर के कामों में इतनी उलझ जाती हैं कि वो अपने केयर नहीं कर पाती हैं, ये नहीं समझ पाती हैं कि हम घर पे भी सुंदर दिख सकते हैं। अगर आप भी चाहते हो घर पे सुंदर दिखना, घर पे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखना, अट्रैक्टिव दिखना, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, आई होप आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जहाँ पर आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे घर के आसपास काम चल रहा है तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, तो उसको मैं इग्नोर प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि वो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बाहर काम चल रहा है तो उसकी वजह से मुझे ये वीडियो तो शूट करनी ही थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ और बाहर नॉइज़ आ रही है, तो प्लीज़ उसे रिक्वेस्ट है आपकी कि इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हम घर पे कैसे अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अक्सर ये होता है जो हाउसवाइफ होती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आती है अपनी ड्रेसेस। दोस्तों, हम हाउसवाइफ जो हैं वो जो भी कपड़ा पुराना हो जाता है उसे हम घर में पहनना पसंद करते हैं। ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो कि नए ड्रेस घर के लिए नहीं खरीदते हैं, जो हम ड्रेसेस बाहर जाते हैं वो पहनते हैं, उसमें से कुछ पुरानी हो गई हैं, थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं, उसे हम घर में पहनना पसंद करते हैं। बट दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक दो ड्रेसेस आपको घर के लिए भी नई लेनी है जो कि आप उसमें अच्छे दिख सको। और जो लोगों जो नाइटी पहनना पसंद करता है दोस्तों, तो आज की डेट में नाइटी अच्छी नहीं लगती हैं, तो अक्सर आप क्या कीजिए, नाइटी होती है उसको स्विच कीजिए मैक्सी ड्रेसेस में। आजकल मैक्सी ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाती हैं, क्योंकि वो नाइटी, वो स्ट्रेट नाइटी होती है जो देखने में अच्छी नहीं लगती और एकदम आंटी वाला लुक देती है। तो आपको नाइटी नहीं पहनना है, उसको आप स्विच करके मैक्सी ड्रेसेस पहन सकते हो, ठीक है। नंबर वन आप ये कर सकते हो, जिससे आपका पूरा जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। और सेकंड दोस्तों है आपकी हेयर। अक्सर लेडीज़ की ये प्रॉब्लम होती है कि अपने हेयर को ना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखती हैं। हम क्या करते हैं, कामों में इतने उलझे रहते हैं कि हमने लिए बाल और ऐसे करके जूड़ा बना दिया। बट नहीं दोस्तों, आप ऐसे कर सकते हो, आप कुछ अपनी अच्छी हेयर कट कर सकते हो, टाइम टू टाइम आप थोड़ा सा अपने हेयर्स को ट्रिम कर सकते हो, अपने हेयर कटिंग कर सकते हो, जो कि आपके लुक को थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाएगा। आपके अक्सर बालों से हमारा जो लुक है एकदम चेंज हो जाता है। आप घर पे छोटी बनाना चाहते हो तो ऐसे एकदम प्लेट पर बना के छोटी ना बनाएं, इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, हाई पोनी बना सकते हो, इस तरीके से हाई पोनी बना सकते हो, या फिर आप बन बनाना चाहते हो तो हाई मैसी बन बना सकते हो घर पे, या ऊपर इस तरीके से बन बना के ऊपर क्लचर लगा लीजिए और बहुत अच्छे से आप बन बना के, जिस तरीके से मैं यहाँ पे एक दो इमेजेस दिखा दूंगी, जिस तरीके से आप बन बना के अपने बालों को अच्छा और आप अपने आप को अट्रैक्टिव दिखा सकते हो। इस वीडियो में मैं कुछ 5 से 10 टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कैसी लग रही है वीडियो मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिए। उसके बाद दोस्तों बात आती है, हम अपने स्किन में अपना स्किन रूटीन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेडीज़ क्या होती हैं, अपने काम में भाग दौड़ में इतनी बिजी होती है कि हम अपनी स्किन केयर करना भूल जाते हैं। दोस्तों, स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको CTM करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर, ये तीन चीज़ आपको ज़रूर ही करना है, चाहे आपकी कितनी भी बिजी लाइफ हो, आपको ये करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे आपकी स्किन एकदम हेल्दी रहती है और आपके स्किन में ग्लो होता है।
तो ये चीज़ करनी है। हफ्ते में एक बार स्क्रब जरूर कीजिए, क्योंकि उससे हमारे फेस में जो भी टैनिंग हो गई है, ब्लैक हेड और वाइट हेड की प्रॉब्लम हो गई है, वो भी रिमूव होती है। अगर आपके पिगमेंटेशन दाग धब्बे हैं, उसे भी रिमूव करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों, अगर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है दोस्तों कि आप घर पे हैं, घर पे आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखना है और कंफर्टेबल भी रहना है, तो आपको ज्वेलरी, थर्ड आपको ज्वेलरी में देखना है दोस्तों। ज्वेलरी आपको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इयररिंग्स नहीं पहनने हैं, छोटे से मिनिमम जितनी ज्वेलरी आप पहनते हो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो। आप नॉर्मल स्टड्स पहन सकते हो, और अगर आपको पहनना पसंद है लॉन्ग इयररिंग्स तो आप पहन सकते हो। ऐसा मैं कोई किसी के लिए पर्सनली मना नहीं कर रही हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप पहनिए। बट मेरा मानना यह है कि जितना मिनिमम आप ज्वेलरी पहनते हो घर पे, उतने ज़्यादा सुंदर दिखते हो, अट्रैक्टिव भी लगते हो। तो मिनिमम आप थोड़ी सी हल्की सी ज्वेलरी पहन सकते हो, एक नॉर्मल सा मंगलसूत्र पहन सकते हो। बहुत ज़्यादा हाई लॉन्ग मंगलसूत्र पहनना पसंद है तो आप एक नॉर्मल एक मंगलसूत्र पहन सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चेन मंगलसूत्र पहनना, वो ज़्यादा थोड़ा लुक को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। आपको अगर चेन पहननी है तो एक चेन पहनिए, मंगलसूत्र पहनना है तो एक मंगलसूत्र पहनिए, लॉन्ग वाला पहनना है तो लॉन्ग पहन सकते हो। जितना मिनिमम आप ज्वेलरी पहनते हो तो उतने ज़्यादा सुंदर लगते हो। और दोस्तों, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि कोई कोई रिंग्स होता है घर में, पूरे पांचों उंगलियों में रिंग पहन के रखता है, तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो आपको रिंग पहनना पसंद है तो आप एक या दो पहनिए बस, आपको और ज़्यादा नहीं पहनना है। बहुत ज़्यादा आप ज्वेलरी पहनते हो तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव भी नहीं लगते हो, आपको वो अच्छा लुक नहीं क्रिएट करता है। और उसके बाद बैंगल्स देखा जाए तो दोस्तों, आपको घर में मिनिमम बैंगल पहनने हैं। अगर आपको कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद है तो चार चार या पाँच पाँच पहन सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि घर पर आप चाहो तो एक कड़ा डाल दीजिए। अगर हो सकता है, बहुत लोगों के घर पर ऐसा बोला जाता है कि आप एक कड़ा नहीं पहनोगे, आपको कांच की चूड़ियाँ पहनना ही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी दोस्तों, आप प्लेन चूड़ियां पहनिए। प्लेन चूड़ियां बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं और बहुत ज्यादा लुक को एनहांस करती हैं। और जो लोग जो वो पहनना चाहते हैं, जो वर्क वाली जो चूड़ियाँ होती हैं, बैंगल्स होते हैं, वो कहीं आने जाने में ही अच्छे लगते हैं, घर पे वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसको भी आप ज़रूर नोट कीजिएगा। और दोस्तों, उसके बाद मैं बात करने वाली हूँ आपके मेकअप की। मेकअप आप ऐसा नहीं है घर पे हो तो आप बिल्कुल कुछ ना करें, आप मिनिमम लिपस्टिक और जो काजल, अगर आपको लगाना पसंद है तो आप काजल ज़रूर लगाइए, थोड़ा मिनिमम सा मेकअप कीजिए, जो कि आपको आप खुद भी अच्छे दिखें, और कोई भी अगर आ रहा है, घर से बाहर जा रहे हो, अचानक से बाहर जाना पड़ सकता है, तो भी आप अच्छे लगो। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, अक्सर लेडीज़ का क्या होता है, वो नाइटी पहनती है और अपने जो चुन्नी है, उसे ऐसे रोल करती हैं और ऐसे डालती हैं और बाहर चली जाती है, तो ये नहीं करना, ये बिल्कुल ऐसे बहुत गंदा लगता है। तो आपको अगर बाहर जाना है या कुछ भी, मैक्सी ड्रेसेस पहनोगे तो आप नॉर्मल कैसे भी हो तो आप बाहर जा सकते हो। और चुन्नी अगर आपको लेनी है तो आप अच्छी तरीके से लीजिए, अपने चुन्नी को ऐसे फैला के ले सकते हो, इस तरीके से ले सकते हो, बट ऐसे रोल रोल करके लेना अच्छा नहीं लगता, वो भी आपके लुक को अट्रैक्टिव नहीं बनाता है, वो भी आपके लुक को थोड़ा सा लो करता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों, आपका मैं बताऊं तो आपको अगर पायल पहनना पसंद है, मेन पायल, आप पायल पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो, लेकिन घर में हो अगर पायल नहीं पहनोगे तो भी चलेगा, लेकिन जिनको पायल पहनना पसंद है वो पहनिए, लेकिन पतली पायल पहनिए ज़्यादा। अगर छन 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 करके ज़्यादा छन 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 वाली पायल होती है, वो भी घर को अच्छा नहीं लगता है, हर जगह छन 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 छन, वो भी लुक को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, आपको पसंद है आप पहन सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि आप पतली पायल पहनिए, जिसमें थोड़े कम घुंघरू हो वो पहनिए, जो आपके लुक को भी एनहांस करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखते हैं। और दोस्तों, आपके टोरिंग को भी आप वो कर सकते हो, टोरिंग भी आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं पहनने हैं, टोरिंग आप बिल्कुल छोटे से पहनिए, मिनिमम पहनिए, वो जितना सिंपल आप टोरिंग पहनते हो उतना ज़्यादा सुंदर और अच्छे लगते हो आप। और दोस्तों,
अक्सर महिलाएं होती हैं, अक्सर लेडीज होती हैं जो वो हवाई चप्पल पहन लेती हैं, लेकिन हवाई चप्पल जो होती है वो एकदम बकवास लगती है, बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। पहले हाँ जी हाँ, पहले हम लोगों के टाइम पे बहुत पहनी जाती थी, हमारी मम्मी दादी बहुत पहनती थी, लेकिन आज की डेट में वो एकदम गंदी लगती हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी स्लीपर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो, इस तरह की कि स्लीपर्स आप वेयर कर सकते हो जो दिखने में भी अच्छी लगती हैं और आप उसे पहन के बाहर भी जा सकते हो। जो वाइट जो हवाई चप्पल होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आपको लुक को बिल्कुल इन्हांस नहीं करती है, वो थोड़े लुक को बहुत ज़्यादा लो करती है। तो आप उसको स्लीपर को स्विच कर सकते हो नॉर्मल इस तरीके की स्लीपर में। और उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम घर पे इतना सारा काम करते हैं, हमें स्वेट आता है, तो ज़्यादा ज़रूरी है हमको भी फ्रेश लगना चाहिए, तो हमें परफ्यूम घर पे भी इस्तेमाल करनी चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, हम कहीं बाहर थोड़ी जा रहे हैं जो कि घर पे हम इस तरीके की परफ्यूम यूज़ करें। आप माइल्ड परफ्यूम यूज़ कर सकते हो, अंडर आर्म रोलर आते हैं वो यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत माइल्ड परफ्यूम ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि गर्मियों का टाइम है, गर्मियों में अक्सर हमारे बॉडी में से बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वो गंदा स्मेल भी करते हैं हम, तो इसीलिए आपको घर पे भी परफ्यूम ज़रूर इस्तेमाल करना है, ठीक है। और दोस्तों एक और लास्ट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर आप बिंदी लगाते हो तो बिल्कुल छोटी बिंदी लगाना अच्छा लगता है, अक्सर हाउसवाइफ तो होती हैं उनको बिंदी लगाना तो पड़ता ही है चाहे पसंद हो या ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसी कोई हाउसवाइफ नहीं होगी या ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिनको बिंदी लगाना पसंद नहीं होगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप बिंदी लगाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी बिंदी ना लगाएं, बड़ी बिंदी आपको घर पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अगर आपको बिंदी लगानी है तो आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने छोटी बिंदी लगाई है उस तरीके से आप बिंदी लगा सकते हो जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और आपके लुक को बहुत ज़्यादा इन्हांस भी करती है। तो दोस्तों आप इस तरीके से, ये मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई हैं, इस तरीके से आप अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और फ्रेश दिखाना चाहो तो आप इस तरीके से ये टिप्स को फॉलो कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि वो लोग भी इन सब टिप्स को फॉलो कर सकें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा जो कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।